दोस्तों ध्यान पूर्वक करना होगा आपको। ये देखिए टेप हम लोगों का निकल चुका है, ये ठंडा हो जाए दोस्तों, फिर हम आपको लगा के सेट करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे आपको इसको जो है बार कोड को किस तरीके स्कैन करके आप इसको चला। दोस्तों आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि स्पॉटिफाई म्यूजिक फ्रेम आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आप अपना मनपसंद स्पॉटिफाई म्यूजिक फोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोड कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। स्पॉटिफाई अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो आप उसको कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके के कंटेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं आप लोगों से मिस ना हो। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल है, मोबाइल में आपको एक प्ले स्टोर मिल जाता है ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई, जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का ऐप आप लोगों को मिल जाता है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई म्यूजिक एंड पॉडकास्ट, इस तरीके से आपको ईजिली इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा यहाँ पर। तो ये देखिए इंस्टॉल है, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस तरीके से कुछ इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको सॉन्ग चाहिए, जिसका भी बार कोड आपको चाहिए, उस सॉन्ग को यहाँ पर अगर यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे, यहाँ देखिए सर्च बार का ऑप्शन दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कि यहाँ पर ये वाला सर्च कर लिया है गाना, तो जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाता है। तो आप लोग इसको यहाँ से बार कोड किस तरीके से निकालना है देखिए, इस तरीके का इंटरफेस आपको जब मिल जाएगा तो यहाँ से आपको इसको प्ले कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही प्ले करेंगे यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से बंद कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर तीन डॉट दिया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, इजली इसको किसी भी मोबाइल पे आपको व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे कहीं पर भी आपको इसको शेयर कर लेना है। जैसे ही यहाँ से इसको शेयर करेंगे, जैसे कि मैं अब एक व्हाट्सअप के माध्यम से दूसरे नंबर पर इसको शेयर कर ले रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको शेयर करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बहुत यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी लिंक को उठा करके आपको इसको स्पॉटिफाई कोड्स डाल करके कंप्यूटर में इजली आपको वहाँ पर सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन को खोल लिया है और यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन के बाद आने के बाद यहाँ पर हम लोग इजली इस तरीके से व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आपको लिंक जो यहाँ पर मिलेगा उस लिंक को आपको इजली व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं पर भी आपको किसी मोबाइल पे सेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंड कर लिया है और ये देखिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पहले ओपन कर लेता हूँ कंप्यूटर में ही। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया व्हाट्सएप को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने अपने दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखिए मैंने डाला हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का लिंक यहाँ पर कहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए सर्च करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को लिंक मिल जाता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सेंड किया था स्पॉटिफाइड से। वहाँ पर देखिए वहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया था लिंक को, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको जो है मिनिमाइज कर लेते हैं या एक नया पेज खोल लेते हैं यहाँ से। ये देखिए गूगल पे सर्च करते हम लोग स्पॉटिफाई कोड्स डॉट कॉम करके, यहाँ पर जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे ये देखिए इस तरीके से आ गया। जैसे ही गूगल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है, तो यहाँ पर जो लिंक आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने लिंक को कॉपी किया है यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही पेस्ट करेंगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखिए गेट स्पॉटिफाई कोड लिखा हुआ, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये देखिए जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में
यहाँ इसके ऊपर से आप यहाँ पर चाहें तो जो हमको कोड ये जनरेट हुआ है यहाँ पर हम लोग कलर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कलर आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग कोई भी कलर कर लेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों को कलर करना है इसका जो कोड होना चाहिए वो वाइट में रहेगा, कोड जो होगा वो ब्लैक में होगा और ये बैकग्राउंड जो होगा वाइट होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाला इसको हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग फटाफट इसको चेंज कर लेते हैं कलर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बार कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैकग्राउंड कोड लिखा हुआ है, तो दोनों में आप लोगों को जो चाहिए उस हिसाब से अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इजीली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में हमारा कोड हो गया, वाइट बैकग्राउंड हो गया। तो हम लोग इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आपको मिल जाता है। ये देखिए नीचे जो दिया गया है इसी पे हम लोगों ने क्लिक किया, इसके बाद ये देखिए इस तरीके का कोड हम लोगों का जनरेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए नीचे कोड जनरेट हो जाता है, तो हम लोग इजली इसको ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप के ऊपर कुछ इस तरीके से। आप लोग चाहें तो इसको वहाँ से कॉपी कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोड को हम लोग एक नया पेज ले लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो जो आपको लगानी हो फोटो भी लगा सकते हैं और जो आपको डिज़ाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से फ़ोटो जो है एक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उस फोटो को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कोड है, इसको हम कोड को सेव कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से क्रॉप करने के बाद हम जो नया सेट किए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ से इजिली निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सेट करके फ़ोटो और कोड, यहाँ पर आप लोग इसको इस तरीके से डिज़ाइन करके स्पॉटिफाई म्यूज़िक फ़ोटो फ्रेम को इस तरीके से कस्टमाइज़ कर लेना है अपने हिसाब से। देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करने के बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। हम लोग इसको मिरर के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। आप लोग इसको किसी भी फ्रेम पे इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रिंट करने वाला हूँ दोस्तों वो मिरर के ऊपर प्रिंट करने वाला हूँ। तो हम लोग इसको मिरर पर प्रिंट करेंगे तो हम लोग इसको रूटेड नहीं करने, रूटेड का मतलब है कि हम लोग इसको मिरर नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसको मिरर नहीं करें, इजीली यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट दे देते हैं सब्लिमेशन पेपर पे। सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग फटाफट पहले इसका प्रिंट निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग प्रिंट निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है, जो कि स्पॉटिफाई म्यूजिक फ़ोटो फ्रेम हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये देखिए जो फ्रेम हम लोगों का है ये ग्लास का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास का फ़ोटो फ्रेम है। तो हम लोग इसके ऊपर यहाँ पर बैक साइड में प्रिंट करना है, तो हम लोगों ने इसको सीधा प्रिंट निकाला है, मिरर प्रिंट ये नहीं है। तो हम लोग फटाफट इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ये देखिए पीछे बैक साइड में यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से इसको सेट करना है, चूँकि ये आपका जो है मिरर नहीं निकला है, ये सीधा आप लोगों का दिखता है। तो हम लोगों को जो प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में रखने के बाद इसको हम लोग सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक करेंगे। पहले हम लोग इसको बराबर में सेंटर में रख करके इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। इसको करने के बाद हम लोग इसको जो है सब्लिमेशन टेप की सहायता से बढ़िया से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए इसको मोड़ लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, चारों तरफ से हम लोग इसको लॉक करेंगे। ये देखिए निकल गया ये, तो आप लोगों को बराबर में इसको बढ़िया से टेप लगा के इसको लॉक करना होगा कुछ इस तरफ भी। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से आपको टेप लगा करके इसको बढ़िया से लॉक कर लेना है। ये देख सकते हैं बढ़िया से टेप लगाना होगा, नहीं तो ये निकल जाएगा दोस्तों आपका। ये देखिए हम लोगों ने इसको टेप लगा के लॉक कर दिया है, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर टेप लगा दें ताकि आप लोगों का प्रिंट आउट इधर उधर हिले नहीं और बढ़िया से प्रिंट आ जाए। तो ये देखिए हम लोगों ने लगा दिया है इस पर। ये देखिए ये प्लेन सरफेस है आपका, इसी के ऊपर यहाँ पर आपका ये प्रिंट होगा। तो हम लोगों ने मिरर प्रिंट नहीं निकाला, सीधा प्रिंट निकाला हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं मशीन के ऊपर। 5 in 1 16 24 15 15, या आपके पास वैक्यूम वाली मशीन है जिसमें कवर बनाते हैं, तो किसी भी मशीन में आप लोग इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 5 in 1। हम लोग 5 in 1 हीट प्रेस मशीन के ऊपर आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग ऑन कर लेंगे इसको। यहाँ पर मोर की बटन प्रेस करेंगे, मिनिमम टेम्परेचर जो रखेंगे हम लोग 350,
कुछ इस तरीके से हम लोग बढ़ा लेंगे प्लस का बटन क्लिक करके। ये देखिए मिनिमम टेम्परेचर 350, ये देखिए, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो भी 350 होगा। और टाइमिंग जो होगा दोस्तों 60 सेकंड होगा, क्योंकि हम लोग इसको जो है स्लो में प्रिंट करेंगे, क्योंकि ग्लास है ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे हम लोग, नहीं तो ये टूट सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही मशीन ये 350 कंप्लीट होगा हम लोग इसके अंदर जो है इस ग्लास फ्रेम को, स्पॉटिफाई फ्रेम को, यहाँ पर इस तरीके का मशीन का सरफेस आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास डबल टेफ्लॉन सीट है तो एक नीचे रखेंगे एक ऊपर रखेंगे, अगर आपके पास सिंगल टेफ्लॉन सीट है तो नीचे आप लोगों को A4 साइज़ का पेपर रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए टेफ्लॉन सीट को एक नीचे रख दिया है, और ये इस तरीके से आपको यहाँ जो ग्लास का फ्रेम है जो कि स्पॉटिफाई म्यूजिक फोटो फ्रेम हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए प्लेन सरफेस कुछ पेपर वाला भाग जो है ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर एक टेफ्लॉन सीट को और लगा देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये देखिए टेफ्लॉन सीट दूसरा हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों की मशीन हीट हो रही है, 155 हुआ है अभी, जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा आपका जो है मशीन जो है 355 कंप्लीट करेगी, हम लोग इसको प्रेस करेंगे, उतना ही दबाव देंगे दोस्तों जितने पे आपका ग्लास आराम से प्रेस हो जाए, ये टूटे नहीं। कंप्लीट हो चुका है, मशीन ने बीप की आवाज़ कर दी है, हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, ये देखिए, और दबाव यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को उतना ही देना है ताकि ये आराम से प्रेस हो जाए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ज़्यादा ही इसको दबाव नहीं देना है, नहीं तो ये आपका जो है ग्लास फ्रेम है ये टूट जाएगा। तो हम लोगों को जितने पे आराम से प्रेस हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए इतने पे प्रेस हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है, जैसे ये टाइम कम्प्लीट होगा दोस्तों मशीन बीप की आवाज़ करेगी, हम लोग इसके अंदर से स्पॉटिफाई फ्रेम को जो है निकाल, ये देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड बचा हुआ है टाइम कंप्लीट होने में हम लोगों का स्पॉटिफाई म्यूजिक फोटो फ्रेम को कंप्लीट होने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी, ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है, अब हम लोग मशीन को कुछ इस तरीके से पहले ऑफ़ कर देंगे यहाँ से, ये देखिए मशीन को हम लोगों ने ऑफ़ कर दिया है, उसके बाद हम लोग इसको आराम से यहाँ से उठाएँगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लव्स का प्रयोग करना होगा, चूँकि आपका जो फ्रेम है ये ग्लास फ्रेम है बहुत ही हीट है, तो आप लोगों को आराम से यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना होगा प्रेशर को कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसको ऊपर कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा, फिर इसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों का म्यूजिकल फ्रेम यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है, ये काफ़ी हीट होगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर पहले ग्लव्स को पहन लेंगे, ग्लव्स को पहनने के बाद हम लोग इसको उठाएँगे फ्रेम को यहाँ से, ये देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ का ये फ्रेम तैयार हो चुका है, ये अब हम लोग इसको नीचे रख लेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए इसको रखने के बाद ये देख सकते हैं इसको हम लोग पहले निकाल लेंगे जो यहाँ पर हम लोगों ने पेपर लगाया हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो टेप हम लोगों ने लगाया है इसको निकाल लेंगे। प्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है, कितना बढ़िया ये फ्रेम आपका तैयार हुआ है, थोड़ा हीट है दोस्तों आराम से आप लोगों को काम करना होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए हम लोगों का निकल गया। यहाँ पर टेप देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं, इस टेप को भी हम लोग निकाल लेंगे, ये देखिए ग्लव्स को निकालना होगा हमको पहले, टेप को हम लोग निकाल लेंगे पहले, ये देखिए बहुत ही हीट है दोस्तों ध्यान पूर्वक करना होगा आपको, ये देखिए टेप हम लोगों का निकल चुका है, ये ठंडा हो जाए दोस्तों फिर हम आपको लगा के सेट करके दिखाते हैं, और दिखाते हैं कैसे आपको इसको जो है बार कोड को किस तरीके स्कैन करके आप इसको चलाएंगे। यहाँ पर आपका स्पॉटिफाई म्यूजिक फोटो फ्रेम तैयार हो चुका है, चलिए अब हम लोग फटाफट ये देखिए इस तरीके से स्टैंड आप लोगों को मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को लगा लेना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और इसको इस तरीके से टाइट कर देना है, ये देखिए इसको टाइट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टैंड कर सकते हैं आप इसको, ये देखिए बराबर में ये आपका स्टैंड हो जाता है स्पॉटिफाई
म्यूजिकल फ़ोटो फ्रेम इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट इसको चेक कर लेते हैं कि स्कैन करने से क्या ये आपका बचता है कि नहीं बचता है। तो हम लोग चलिए फटाफट इसको चेक करते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास मोबाइल है। किस तरीके से आप लोगों को चेक करना होगा फटाफट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, मोबाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पहले नेट को ऑन कर लेना है। आपके मोबाइल में स्पॉटिफाई जो है ऐप होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च का आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके ऊपर यहाँ देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पर आप लोगों को कैमरा दिखाई पड़ता है। जैसे ही इस कैमरे को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए स्कैन कर लिया। जैसे ही स्कैन करेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का ये देखिए, स्कैन करने के बाद जो भी म्यूजिक रहेगा यहाँ पर आपका बजने लगता है, देख सकते हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज़ के वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिलना है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।